अपने बिजनेस कारोबार को बढ़ाने के लिए हिंदुस्तानी रिपोर्टर की इस ईमेल एड्रेस पर संपर्क। 4 मार्च को होगा ठाणे मनपा परिवहन समिति का चुनाव। शमीम खान का सदस्य बनना तय, वहीं आरपीआई नेता बापू मखरे ने भी ठोका दावा। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। लगभग 2 वर्षों से ठाणे मनपा की परिवहन समिति यानी ट्रांसपोर्टेशन कमेटी जो है, इसके चुनाव रखने हुए थे। 12 सदस्य होते हैं इसमें, ज्यादातर पार्टी के पदाधिकारियों को और कार्यकर्ताओं को इसमें मौका देने की परंपरा पिछले कई वर्षों से चली आ रही, मगर इस बार तय किया गया था कि अब की बार नगर सेवकों को ही इसमें मौका दिया जाएगा। प्रशासनिक कामों में सुधार लाने के लिए परिवहन समिति और परिवहन के कामों में साफ सुथरापन और उसको मजबूती की ओर ले जाने के लिए, आमदनी के हिसाब से बढ़ाने के लिए, मगर जिस तरीके की हलचले हैं उससे पता चल रहा है कि नगर सेवकों की जगह जिन पार्टी पदाधिकारियों को पार्टी के नेताओं ने वचन दिया है, जबान दी है, ऐसों को फिर से खुश करने के लिए परिवहन समिति में सदस्यता दी जाएगी। 24 फरवरी दोपहर 2 बजे तक इस चुनाव के लिए फॉर्म भरने का आखिरी तिथि और समय है। तब तक जो है, जिन जिन को इस चुनाव में अपनी उम्मीदवारी देना है उनको फॉर्म भरने होंगे। हमारी जानकारी के मुताबिक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो मुमरा कौसा कलवा में उसका गढ़ है, 34 सदस्यों वाली पार्टी, इसके खाते में 3 सदस्य आ रहे हैं संख्या बल के अनुसार। भाजपा के खाते में 2 आ रहे हैं और सत्ताधारी पार्टी शिवसेना के खाते में सबसे ज्यादा 6 या 7 सीटें इसमें आएगी। सबसे ज्यादा रसाकसी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में ही चल रही थी। सबसे पहले परिवहन समिति के सदस्य तौर पर शमीम खान को, जो कलवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष है, जबान दी गई थी कि उन्हें परिवहन समिति का सदस्य बनाया जाएगा। पार्टी सूत्रों का कहना है कि ठाणे में पार्टी के सर्वे सर्वा विधायक और गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवाड, इन्होंने साफ कर दिया है कि हर हाल में शमीम खान अब की बार परिवहन समिति के सदस्य बनेंगे। इस तरह से पार्टी के एक पदाधिकारी है यूनुस इकबाल शेख, इनका पत्ता कट हो चुका है। दूसरी तरफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले गुट के नेता बापू मखरे, जिन्होंने भाजपा की पार्टी के साथ में गठबंधन होने के बावजूद, युति होने के बावजूद, कलवा मुमरा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का काम किया, विधायक जितेंद्र आवाड का चुनावी काम किया, मनपा चुनाव में भी काम किया, लोकसभा और विधानसभा में भी काम किया, उसके बदले में अब दलित समाज के कार्यकर्ताओं और कई लोगों ने मांग की है गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवाड, जो कि ठाणे में पार्टी के सर्वे सर्वा है, कि बापू मखरे को परिवहन समिति का सदस्य पद दिया जाए। इस तरह की मांग 23 फरवरी को ठाणे में डॉक्टर आवाड के बंगले पर जाकर की गई, उन्हें निवेदन दिया गया और ये मांग की गई। दूसरी तरफ कलवा से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक पदाधिकारी है प्रकाश पाटिल, इन्हें भी जो है पार्टी ने तय किया है परिवहन समिति में सदस्य पद देना। तीसरी सीट के लिए रसाकसी चल रही है, अब उसमें बापू मखरे का नंबर लगता है या पार्टी के किसी छाने के कार्यकर्ता या पदाधिकारी को मौका दिया जाता है। ये तस्वीर जो है 25-26 तारीख के बाद ही साफ होगी कि तीसरे सदस्य का मौका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी किसे देती है।